यहाँ पर कुछ श्रद्धालु आते हैं, वो कुछ ना कुछ मांगते हैं और उसी के रूप में यहाँ पर ये सिक्के फंसा के चले जाते हैं जिन्हें निकालना काफी असंभव। गणेश जी की एक झलक देख सकते हैं, ये उनका सूंड है और यह उनका मस्तक। के बाद केदारनाथ के बाद जाएंगे बद्रीनाथ, यमुनोत्री और छोटा हरिद्वार। सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अभी हम आ चुके हैं ऊपर केदारनाथ धाम जी के पास और बिल्कुल सामने केदारनाथ जी के दर्शन। आपका एक्सपीरियंस रहा पहली बार का? इतना अच्छा लग रहा है कि शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल। जो भी राख है ना वो बाबा की धुनी से है और आप लगा सकते हैं कि कितने साल से बाबा यहाँ पर धुनी सेक रहे हैं। राधे राधे सभी भक्तों को, आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं केदारनाथ धाम के। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि मुझे केदारनाथ जी के दर्शन करने हैं। मैंने कहा चलो आपको करा के लाते हैं, पर उन्होंने कहा कि भैया दर्शन तो शुरू होंगे अगले महीने में, अभी तो रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं। मैंने कहा मैं आपको आज ही के दिन दर्शन कराऊंगा, वो भी केदारनाथ धाम के। अब आप सोच रहे होंगे कि इस समय जहाँ मैं खड़ा हूँ ये कौन सी जगह है? ये जगह है कामा, जो कि आपका राजस्थान में, और मेरे पीछे है केदारनाथ धाम। और केदारनाथ धाम राजस्थान कामा में कैसे आया, इसके पीछे बहुत ही एक प्यारी सी लीला है भगवान श्री कृष्ण जी की, वो मैं आपको सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बताऊंगा। अब चलते हैं सीधे। यहाँ पर एक द्वार है जहाँ पर दो घंटियाँ लटकी हुई हैं और यहीं से कुछ सीढ़ियाँ हैं जो सीधा जाती हैं केदारनाथ धाम के ऊपर। और यहाँ पर एक बाबा हैं जो काफ़ी समय से धुनी लगा रहे हैं, वो भी दोपहर के समय में। और आप देख सकते हैं इसके नीचे जो भी राख है ना वो बाबा की धुनी से है और आप लगा सकते हैं कि कितने साल से बाबा यहाँ पर धुनी सेक रहे हैं। अब चलते हैं सीधा केदारनाथ जी की तरफ और सबसे पहले अम्मा जी राधे राधे। राधे 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 राधे। ये कुछ सीढ़ियाँ हैं, लगभग 300-400 सीढ़ियाँ हैं जो सीधा केदारनाथ धाम पे जाती हैं। सीढ़ियों से चलते हैं सीधा केदारनाथ धाम जी के पास और वहाँ पर एक पुजारी जी हैं, उनसे पूछेंगे कि राजस्थान के अंदर केदारनाथ धाम कैसे आए। जैसा कि मैंने आपको बताया भगवान श्री कृष्ण जी की एक बहुत ही सुंदर लीला है, उसी के तहत ये चार धाम हमारे राजस्थान के कामा क्षेत्र में आए। आप बद्रीनाथ कह लो, गंगोत्री यमुनोत्री कह लो, छोटा हरिद्वार कह लो, बाकी सारी जगह भी यहीं आसपास ही हैं लगभग 10 किलोमीटर के रेडियस में। और जो केदारनाथ जी का यह धाम है ये बिल्कुल ऐसा ही धाम है और बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ है पहाड़ पर जैसे हमारे मुख्य केदारनाथ धाम है। अभी हमारे साथ कुछ श्रद्धालु जुड़े हुए हैं। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम मथुरा से ही आए हैं। मथुरा से ही आए हैं। पहली बार आए हैं आप? हाँ, फर्स्ट टाइम। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा पहली बार का? इतना अच्छा लग रहा है कि शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। अच्छा। और हम तो यही कहेंगे कि सभी लोग जो है कम से कम एक बार जरूर आए, चाहे कितनी ही उम्र उनकी क्यों ना हो। तो आपको कैसे पता चला कि हमारे कामा क्षेत्र में केदारनाथ धाम है? हमारे यहाँ श्रीमती इंदिरा जी हैं जी, जो बहुत पूजा पाठ करती हैं हर साल, और हर साल क्या मतलब साल में 2-4 बार वो कहीं ना कहीं ले जाती हैं टूर अपना। तो हमने तो उनसे फ्राइडे को बात हुआ था, 5 बजे करीब प्रोग्राम बनाया और एकदम बस दिमाग में आया था, झट हमने सीट बुक करा दी जी। और फिर जो है वहाँ से हम लगातार मधुबन, फिर कुमुदवन, फिर से बेहज और आपके वहाँ कौन सा और पड़ा था, गंगा सागर, 84 कोस की यात्रा कर रहे हैं। 84 कोस की यात्रा। कैसा आनंद आ रहा आपको? मैंने बताया ना हमारे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए कि कितना आनंद आ रहा है। सीढ़ियाँ चढ़ने में कोई दिक्कत होती है? नहीं, होती तो है लेकिन भोले बाबा की ताकत इतनी ज़्यादा है कि सभी लोग ऊपर चढ़ जाते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। तो आप उत्तराखंड के केदारनाथ धाम भी गए हैं? वहाँ हम अभी नहीं गए हैं एक्चुअली, अभी अब जॉब में करता हूँ, पॉलिटेक्निक में हूँ जी। तो इस वजह से हमारा पहला है, मतलब फर्स्ट टाइम है। अब जो है बच्चे थोड़ा बाहर हैं तो हमने की दोनों घूम लेते हैं। तो ऊपर का दृश्य अगर आप 2 शब्दों में बताना चाहें तो? अद्भुत, बहुत अच्छा है। वहाँ के पुजारी हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से पूजा पाठ करवाते हैं, ठीक है। उसका कोऑपरेटिव है सभी, और जो है मेन तो कोऑपरेटिव ऊपर वाला होना चाहिए जी जी। वो उसका राधे 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 राधे। बहुत अच्छी तरह सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अभी हम आ चुके हैं ऊपर केदारनाथ धाम जी के पास और बिल्कुल सामने केदारनाथ जी के दर्शन हैं। पर उससे पहले मैं आपको एक बार ये दृश्य आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको काफ़ी सुकून देगा। चारों तरफ आप अपनी नज़र दौड़ाएं, यह दृश्य आपको केदारनाथ धाम के ऊपर मिलने वाला है। अब सीधे आपको दर्शन कराते हैं
और वो लीला आपको बताते हैं कि कैसे कैसे केदारनाथ धाम जी यहाँ पर पधारे गए। चलिए अब आपको ले चलते हैं सीधा गर्भगृह के अंदर और आपको दर्शन कराते हैं यहाँ पर स्थापित शिवलिंग के, और यहाँ के पीछे जो लीला थी वो मैं आपको वहीं बैठ के बताऊँगा। और कुछ इस तरीके से इस पहाड़ के नीचे से जाना पड़ता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं जो कि अपना भक्तिभाव यहाँ पर कर रहे हैं। और बिल्कुल सामने वहाँ पर मैं साफ साफ देख सकता हूँ भगवान शिव जी की शिवलिंग है सामने, और एक बार वहीं जाना और आपको पूरी लीला मैं वहीं से बताने वाला हूँ। चलते हैं सीधा अंदर और आपको दर्शन कराते हैं शिवलिंग के, और जब आपको यहाँ की इस लीला के बारे में पता लगेगा कि भगवान श्री कृष्ण जी केदारनाथ धाम यहाँ पर कैसे लाए, तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाने वाले हो। अब हम आ चुके हैं गर्भगृह के अंदर और आपको पूरे दर्शन एक बार मैं कराता हूँ, और यहाँ पर आप शिवलिंग के दर्शन करें। और यहाँ की जो लीला थी वो लीला कुछ इस प्रकार थी, तो जब भगवान श्री कृष्ण जी पहली बार गौचारण के लिए गए, तो उसके बाद क्या होता है, जब भगवान श्री कृष्ण जी के जो माता पिता थे नंद बाबा और यशोदा मैया, वो काफ़ी वृद्ध हो चुके थे, और उन्होंने एक इच्छा जाहिर की कि हमें चार धाम की यात्रा करनी है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्होंने बोला कि आपकी जो उम्र है वो कुछ ज़्यादा ही हो गई है, अभी आप वो यात्रा नहीं कर सकते। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने योग माया के द्वारा एक लीला रचते हैं और यहीं ब्रज में चारों धाम वो बना देते हैं, जिसमें से केदारनाथ धाम ये है। और जो वो चारों धाम बनाते हैं वो बिल्कुल हूबहू होते हैं, जैसा कि हम यहाँ के बाद केदारनाथ के बाद जाएंगे बद्रीनाथ, यमुनोत्री और छोटा हरिद्वार, वो बिल्कुल ऐसे ही बने हुए हैं जैसे हमारे असली चार धाम हैं। अभी आप दर्शन करें शिवलिंग के, एक बार मैं अपने भाई से कहूँगा एक बार आप अंदर आएँ और हमारे श्रद्धालुओं को थोड़ा नज़दीक से आप दर्शन कराएँ। और यहाँ से एक छोटी सी गुफा है जिससे आप बाहर जा सकते हैं इस गर्भगृह से, और लगभग कई हज़ार वर्ष पुराने यह केदारनाथ धाम हैं हमारे। जैसा कि आपको पता ही है जो हमारे असली केदारनाथ धाम है उनकी जो बनने की लीला वो कुछ और है और यहाँ की कुछ और है। अब इसके बाद यहाँ पर कई दर्शन और हैं, मैं आपको वो भी कराता हूँ कि एक पहाड़ में ही हमारे यहाँ गणपति हैं और नंदी बाबा भी हैं जस्ट इसी के ऊपर, उसके भी अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ। चलते हैं गर्भगृह से बाहर। ब्रज धाम में चमत्कार की कमी कैसे हो सकती है कि हमारे ब्रज में ही आपको चार धाम मिल जाएँ, केदारनाथ धाम मिल जाएँ। वहीं आप देख सकते हैं कि इस सैलाब में आप गणेश जी की एक झलक देख सकते हैं, यह उनका सूंड है और यह उनका मस्तक है, बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर नज़र आता है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही चमत्कारी चीज़ है। और उसी के बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की जो सबसे चमत्कारी चीज़ है, यहाँ की जो सबसे चमत्कारी चीज़ है वो है यहाँ के नंदी बाबा, वो भी एक शिला के रूप में यहाँ पर स्थापित हैं और किसी हाथ से नहीं बनाया गया उन्हें। और एक बार आप नंदी बाबा के दर्शन करें, यहाँ पर बिल्कुल सामने हैं और यह उनका बाकी का शरीर है या उनका मुंह है, बिल्कुल साफ साफ यहाँ से दिखाई देते हैं नंदी बाबा। और यहाँ पर उनकी पूँछ है, जैसा कि हमें पुजारी जी ने बताया था, यहाँ के जो पुजारी जी हैं मेरे भाई एक बार आ रहे हैं वो आपको दिखाते हैं, यह नंदी की पूँछ है और यह पीछे वाला हिस्सा है कुछ इस तरीके से, यह नंदी यहाँ पर बने हुए हैं। और सबसे जो विशेषता की बात है वो है यहाँ की कि जो कितनी ऊपर यह जगह है और बिल्कुल हूबहू ऐसे ही है जैसे आपके केदारनाथ धाम है। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु आते हैं, वो कुछ ना कुछ मांगते हैं और उसी के रूप में यहाँ पर ये सिक्के फंसा के चले जाते हैं, जिन्हें निकालना काफ़ी असंभव है, और जगह जगह ऐसे सिक्के यहाँ पर फंसे हुए हैं। राधे राधे सभी भक्तों को, आज हमने आपको दर्शन कराए केदारनाथ धाम के जो कि जस्ट मेरे पीछे ही हैं। और सबसे बड़ी जो यहाँ की सुंदरता की बात है वो है यहाँ के नज़ारे जो आप यहाँ से ले सकते हैं, एक बार आप देखें बिल्कुल साफ साफ सब कुछ नज़र आता है। और यहाँ आपने कई चीज़ों के दर्शन किए, कई भक्तों से मैंने आपकी मुलाकात कराई, उनका जो भी एक्सपीरियंस था और किस प्रकार यहाँ का भक्तिभाव होता आप देख सकते हैं, कितने ऊँचे इस रास्ते पर श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर अपनी पूजा अर्चना करते हैं। जो भी आप यहाँ से मांगते हैं कभी भी आप खाली हाथ बिल्कुल नहीं लौटने वाले, और यहाँ पर आपको गणेश जी के भी दर्शन होंगे, नंदी बाबा के भी दर्शन होंगे, और भी कई दर्शन हैं पुजारी जी के ना होने की वजह से वो मैं आपको नहीं करा पा रहा, पर अगली बार मैं आपको ज़रूर कराऊँगा। यहाँ से जाने के बाद हम यहाँ से बद्रीनाथ जाएंगे और यमुनोत्री गंगोत्री भी जाएंगे, छोटा हरिद्वार भी जाएंगे, वहाँ के भी ब्लॉग इसके बाद आने वाले हैं। हमारी ये धर्म यात्रा कुछ इस प्रकार ही चलती रहेगी, आपको पूरा ब्रज 84 कोर्स धीरे धीरे हम दिखाने वाले हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे
तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी प्रकार हम और आप अपनी सनातन संस्कृति की सेवा करते रहेंगे। मिलते हैं किसी आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। आगे वाले आ गए नहीं, पीछे वाले जाओ। नमस्कार, बोलो राधे 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 राधे, बोलते रहिए राधे 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 राधे। थोड़ी सी दूर है अम्मा जी। राधे 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 बोलते रहिए राधे 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 बोलते रहिए राधे राधे।